नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है डेल का डेस्कटॉप, डेल ओस्ट्रो का, जिसका मॉडल नंबर है ओस्ट्रो 3268। डेल का जो डेस्कटॉप है, इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पास हमको एक लाइट का जो है एरो दिख रहा है, जो अप डाउन हो रहा है। इसमें हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जो है लाइट जो है 5 बार बंद चालू हो रहा है, ब्लिंक होके बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। 5 बीप जो है अधिकतर जो है हमारा जो है इस केस में जो है सीमोस बैटरी का रहता है या बैटरी डिस्चार्ज होता है, उसके कारण जो है हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी सीमोस बैटरी चेक कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है प्रोसेस आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो इस प्रकार से हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देख लेते हैं हम जो है इसका सीमोस बैटरी कहाँ लगा। सबसे पहले तो हम जो है ये लेड बाहर कर लेंगे, ताकि हमको जो है बाकी सब चीज निकालते हैं बने। इस प्रकार जो है स्क्रू वगैरह हम निकाल लेंगे, डिसेबल कर लेंगे, और हार्ड डिस्क जो है वो भी डिसेबल कर लेंगे। और इस प्लेट को जो डीडी राइटर वाला है निकालने वाला, उसको हम जो है यहाँ से पुश करके हम जो है इसको प्रेस कर लेंगे, फिर ये जो है हमारा ऑटोमेटिक ये बाहर हो जाएगा। यहाँ से फिर हम इसको जो है सभी केबल को डिस्कनेक्ट करके इसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम चेकआउट करते हैं कि हमारा जो है बैटरी हो वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। बैटरी चेक करते हैं सबसे पहले, तो हम यहाँ से ग्राउंड में रख के अपना जो है बैटरी सीमोस बैटरी में देखते हैं, तो हमको जो है वोल्टेज यहाँ पास हमको शो होगा। जैसे कि देख रहे हैं हमको जो है वोल्टेज जो है 0.00 हो रहा है, शो हो रहा है। सबसे पहले तो बैटरी चेंज करके देखेंगे। बैटरी चेंज करने के बाद भी नहीं होता है, तब ये जो है मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगा 100%। तो हम सबसे पहले तो एक 3 वोल्ट का बैटरी ले लेते हैं। 3 वोल्ट का बैटरी लेके हम जो है चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है बैटरी जो है वो 3 वोल्ट का है या नहीं। तो हम उस प्रकार जो है हम फिर यहाँ से एक जो है दूसरा बैटरी चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो है हम बैटरी फिर से चेक कर लेंगे ग्राउंड में रख के, कि हमारा जो 3 वोल्ट का बैटरी है वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 3 वोल्ट का वोल्टेज जो है आ रहा है। प्रकार जो है हम डायरेक्ट सभी चीज़ ना लगाते हुए भी हम जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा जो है डिस्प्ले आ गया है या नहीं आया है। हमारा जो एरर हो रहा था 5 बीप का, वो हमारा सॉल्यूशन मिला है या नहीं मिला। हम जो है सबसे पहले तो हम पावर केबल और वीजीए लगा लेंगे, साथ में HDMI भी लगा लेंगे, और उसमें हम जो है USB भी पोर्ट भी लगा लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारा जो है डिस्प्ले आगे है नहीं आया है। और हम जो है इसको थोड़ा सा साइड से ओपन कर लेते हैं, ताकि हमको जो है ये जो ब्लिंक का लाइट जो है हमको पता चले। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी जो हमारा जो है व्हाइट लाइट जल रहा है। बैटरी चेंज करने के बाद जो है हम इसको पैक कर लेंगे, सिर्फ ढक्कन बस पैक कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ जो है हम थोड़ा देर बाद में लगा लेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारा जो है डिस्प्ले आ गया है या नहीं है। इस प्रकार जो है हम इसको खांचे के हिसाब से हम जो है कैबिनेट वगैरह पैक कर लेते हैं और डिस्प्ले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पावर केबल लगा लेंगे, साथ में वीजीए और एक USB केबल भी लगा लेंगे, ताकि हमको पता चले कि हमारा जो है डिस्प्ले आ गया है या नहीं आया। उसके बाद हम जो है स्विच करके देख लेते हैं। स्विच किए तो हमारा एक बार लाइट जला है रेड कलर वाला, और उसके बाद हम जो है इसमें देखते हैं कि हमारा जो है डिस्प्ले आ गया है या नहीं आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो है सीमोस बैटरी चेंज करने से जो है डिस्प्ले आ गया। तो इस प्रकार जो है अगर हमको जो है डेल ओस्ट्रो में या डेल का कोई भी से कंपनी में अगर 5 बीप आ रहा है, मतलब 5 बीप बोले या तो हमको जो है ये जहाँ यहाँ पर कलर जो रेड कलर अगर 5 बार जो है बंद चालू हो रहा है, तो हम ये मान के चलते कि हमारा जो है सीमोस बैटरी जो है वो खराब हो गया है या डिस्चार्ज हो गया है, जिसके कारण जो है ये 5 बीप देता है। जैसे ही हम सीमोस बैटरी चेंज करेंगे, 3 वोल्ट वाला लगाएंगे, हमारा जो है डिस्प्ले इस प्रकार जो है आ जाएगा।